तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक विद कनक में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मखाने की सिंपल और साधारण खीर बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने मखाने ले लिए, इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसको आधे घंटे भिगोने के लिए छोड़ दूँगी। मैंने मखानों को भीगने के लिए छोड़ दिया, मैं इनको आधे घंटे ऐसे ही छोड़ दूँगी। ले लिया है मैंने आधे लीटर दूध। अब इसको हम बॉयल होने देंगे, फिर इसमें हम अपने भीगे हुए मखाने डाल देंगे। दूध बॉयल हो चुका है, इसको हम धीरे धीरे हिलाते रहेंगे और बिल्कुल कम आंच में 5 से 7 मिनट अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि मखाने तो हमारे भीगे ही हुए हैं, उन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम दूध को अच्छे से पका लेंगे। दूध बॉयल हो चुका है, हमारे जो मखाने हैं वो भी भीग चुके हैं। मखाने को हम ऐड कर देंगे दूध में और इनको अच्छे से पकाते रहेंगे जब तक का मखाने हैं दूध में अच्छी तरह मिल नहीं जाते। बीच बीच में हम खीर को यहाँ पर चलाते रहेंगे। यहाँ पर खीर पक चुकी है अच्छे से, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी इसमें चीनी। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच चीनी ले रखी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ले सकते हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, खीर हमारी अच्छे से पक चुकी है। गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद और यहाँ पर तैयार है हमारी खीर। हमारे यहाँ पर गर्मा गर्म मखाने की खीर, जिसमें मैंने घी ऐड नहीं करा, दूध और मखाने से ही बस ये खीर मैंने बना रखी है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है।